अगली खबर में बात करते हैं खरगोन की, जहां जिले की कशरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम भोइंदा में अवैध बालू रेत के खनन को लेकर खनिज विभाग को शिकायत मिली थी, जिसको लेकर खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन के खिलाफ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। दोपहर में खनिज अधिकारी सावन चौहान ने कशरावत से गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी वैन में बैठकर ग्राम भोइंदा पहुंचे। उसके पश्चात वहां से बाइक पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में पहुंचकर धावा बोला, जिसमें अवैध बालू रेत परिवहन कर रहे 6 ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिनको पकड़कर खलटाका पुलिस चौकी की अभिरक्षा में खड़े करवाए गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, खलटाका चौकी में हमने 6 ट्रैक्टर जब्त करके रखे हैं। आज सुबह मुझे भोइंदा में एक मुखबिर के तरफ से शिकायत मिली थी कि सर यहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है और आप आ जाइए, और भोइंदा और चिचड़ी और यहाँ को लेकर अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी न्यूज़ आई थी और मुझे SDM कसरावत के माध्यम से भी पता चला था। तो हम लोगों ने प्लानिंग की और हम लोग यहाँ से दूसरी गाड़ी चेंज करके कसरावत से हम लोग भोइंदा तक गए। वहाँ से फिर हम लोग बाइक से जाके और हम लोगों ने वहाँ पर अलग अलग दिशाओं से धावा बोला, जिसमें हमको टोटल 6 ट्रैक्टर मिले और उनको हमने जब्त करके यहाँ थाने पे रखा। और एक और ट्रैक्टर हमने पकड़ा, जिसमें वहाँ मतलब कि ट्रैक्टर चालक हमारे मतलब कि हमसे मुझसे और हमारे जवान से छीना झपटी करके लेके भाग गया। इस प्रकार से हमने अभी 6 थाने में जब्त किए हैं। तो इतनी बड़ी कार्रवाई की आपने, पुलिस सुरक्षा नहीं है? पुलिस सुरक्षा हमारे पास होमगार्ड जवान है, और अगर सुरक्षा, क्योंकि हमारे पास समय था 1 घंटे का, और 1 घंटे के अंदर कार्रवाई करना, अगर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो फिर टाइम हो जाता, और वैसे भी आज जिले में 3 जगह नगरीय निकाय चल रहे हैं तो पूरा फोर्स वहां लगा है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि कर लेते हैं। सर, इसी के साथ करता हूं, तो इसी के अकबरपुरा में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई। खैर, आपने अकबरपुरा के बारे में बताया, मुझे पहले भी सोचा अगर वहां पर भी कोई हमको इस प्रकार से वहां की कोई मुखबिर अगर मिल जाता है तो हम करते हैं, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो हमारे पीछे इतने लोग रहते हैं कि उनको पता चल जाता है कि यहाँ जा रहे हैं। अगर एक सटीक सूचना हमको रहे तो हम लोग वहाँ पर भी धावा बोलेंगे, वैसे हम जिले में कहीं पे भी कोई अवैध उत्खनन होने नहीं देंगे।